गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर टेकिंग हियर चैप्टर नंबर फोर दिस इज सेकंड नंबर लेक्चर इन दिस लेक्चर वी आर टेकिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिकुलरिटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम रेट लॉ आर यू सीइंग हियर रेट लॉ ठीक है इस रेट लॉ को समझने के लिए वी हैव टू स्टडी अबाउट डिपेंडेंस ऑफ रेट लॉ ऑन कंसनट्रेशन मतलब अभी तक हमने ये देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो स्पीड है जो रेट पर डिपेंड करती है उसकी और ये डिपेंड ये जो रेट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है एंड इस्पेशली जो रिएक्शन uh, का जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है सो रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन टेक्स इज सॉरी रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसन्ट्रेशन of reactants, with each term raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। इसका मतलब ये हुआ कि जो rate law expression है, मतलब rate law जो है, उस rate law में जरूर जरूरी नहीं है कि जो पूरी balanced हो करके stoichiometry उसकी जो आई है, वही उसके rate law के expression में आए बल्कि ये भी हो सकता है जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सपोज ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है ना अभी मान लो ए का स्टॉक्यूमेट्री स्मॉल ए है एंड बी का स्टॉक्यूमेट्री स्मॉल बी है तो यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है इसके स्टॉक्यूमेट्री इस पे डिपेंड नहीं करेगा हो सकता है स्टॉक्यूमेट्री आ जाए हो सकता है इस्टॉक्यूमेट्री नहीं आए तो ये इस पर डिपेंड करता है इसके कंसनट्रेशन पर ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं ये कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं और उसके ऊपर यहाँ पर एक्स और वाई ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप में पर प्रेजेंट कंसंट्रेशन को शो करता है इसका मतलब मैं आपको एक बार और समझाती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ए प्लस बी मिल के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंपल एक स्टेप में हो ठीक है यदि एक स्टेप में होता है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है लेकिन जनरली जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो एक स्टेप में नहीं होती है, वो कई स्टेप्स में होती हैं तो जब कई स्टेप्स में होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है उस स्टेप से ही हम रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उस समय पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट होता है ठीक है अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ईच रिएक्टेंट कैन अफेक्ट द रेट डिफ़रेंट डिफरेंटली कैसे कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो रेट लॉ है वो जो बता रहे देखो एक बार फिर से मैं कन् इसको कर रही हूँ रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म्स रेज टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने में इसके आगे जितने भी कोफिशेंट यहाँ टू थ्री जितना भी लगा होगा वो बैलेंसिंग वाली है लेकिन इस पर यह रेट लॉ डिपेंड नहीं करता तो ये किस पर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन मोलर कंसनट्रेशन ये देखिए ये है और इसका मोलर कंसेंट्रेशन तो मोलर कंसनट्रेशन कौन से स्टेप में लेंगे हम जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी ठीक है अब इसी पे डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए देखिए हम लोग बताएं यहाँ पे कैसे जैसे अगेन वही रिएक्शन को यहाँ पे देखो दिया है ये कि यदि मान लीजिए ए का स्मॉल ए है स्टोक्योमेट्रिक बैलेंस होने पर और बी का बी आया है सी का सी और डी का डी आया है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए था ए बी होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है ज़रूरी नहीं क्यों क्यों ऐसा क्योंकि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उस समय पर ए का कंसंट्रेशन एक्स था और बी का कंसंट्रेशन वाई था इसलिए ये है रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन अब इसी पर डिपेंड करता है हमारा ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल इक्वेशन मतलब अब ये जो कंसंट्रेशन स्लोएस स्टेप में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आई है इनको यदि हम इनको प्लस करते हैं तो फिर ओवरऑल एक्स प्लस वाई दिख रहा है सबसे नीचे वाली लाइन आप लोगों को दिख रही है सबसे नीचे वाली लाइन में ये दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई ही डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्लियर नाउ नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया जा रहा है जैसे देखो ओवरऑल बैलेंस होकर के एनओ गिव्स एन टू ओ प्लस एनओ टू मतलब जब ये पूरी रिएक्शन हो रही है तो इस समय पर बैलेंस करके हमने एन ओ ये रिएक्टेंट पे ही हम फोकस करेंगे जितने रिएक्टेंट हैं इन पे ही फोकस करेंगे तो ये क्या दिया है इसके आगे थ्री दिया है क्यों क्योंकि इसने टोटल बैलेंसिंग की है तो ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन है अब यहाँ पर यदि हमने रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि स्लोएस्ट स्टेप में एनओ NO कितना प्रेजेंट था ठीक है तो रेट इज इक्वल टू के के इज द रेट कांस्टेंट एंड एनओ टू ऊपर देखो टू लगाया है इसका मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा टू होगा ठीक है ना नेक्स्ट देखें यहाँ पर टू एन टू प्लस एफ टू 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 एफ इसका मतलब ये हुआ कि दो मल ये पूरा बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन में अब हमारे पास टू स्टॉक्यूमेटरी एनओ टू का आया और एक एफ टू का आया तो होना क्या चाहिए था कि भाई रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों का सम निकाल करके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालते लेकिन ऐसा नहीं है उसका जो स्लोएस्ट स्टेप था उस स्लोएस्ट स्टेप में एनओ टू के ऊपर भी वन है एंड एफ़ टू के ऊपर भी वन है देखो वन को कभी लिखा नहीं जाता इसलिए एन ओ टू एक ब्रैकेट में एंड एफ़ टू एक ब्रैकेट में दिखाया है ये जो ब्रैकेट है शो कर रहे हैं इसके मोलर कंसनट्रेशन को इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर एक है और इसमें फर्स्ट ऑर्डर एक है मतलब दोनों को यदि वन वन को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर एन ओ टू के लिए हो गया फर्स्ट ऑर्डर एफ़ टू तो दोनों का वन वन प्लस होकर के टू मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या होता है एक्चुअली एक बार फिर से मैं इसको वापस कर रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है एक्स प्लस वाई यहाँ पर जो रिएक्टेंट है कितना आपस में कंबाइन उसका कंसनट्रेशन मोलर कंसनट्रेशन कितना कंबाइन हो रहा है इस पर डिपेंड करता है ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टू एन ओ टू है और बैलेंस होने पर ये स्टॉक्यूमेट्री टू आया है और इसके स्लोएस्ट स्टेप में भी टू रहता है इसलिए यहाँ पे एन के ऊपर टू लिखा है इसका मतलब ये भी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया है एच टू ओ टू एंड थ्री आई माइनस वन चार्ज एंड एच प्लस वन मतलब एच आई वाली रिएक्शन है तो उसको उन्होंने यहाँ पे ब्रेक करके दिया है अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इन एच टू ओ टू एंड फर्स्ट ऑर्डर इन एन आई माइनस जीरो ऑर्डर इन एच प्लस इसका मतलब दोनों मतलब ये एच टू ओ टू एंड आई टू आई माइनस दोनों मिला कर के क्या बनाएंगे ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इस तरह से ये कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हुए अब इसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आई यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कि इनका रेट कांस्टेंट किस तरह से इसकी यूनिट फॉर्मेशन होती है जैसे मान लीजिए कोई कोई सा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट है जीरो है या सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है अब जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती है ये है रेट कॉन्स्टेंट और ये है जो भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन और इसको मोलर कंसनट्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया ठीक है अब यदि हम के इज इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा रेट अपॉन ए टू द पावर एन तो रेट क्या होता है कंसनट्रेशन अपॉन टाइम इसके पहले अपने पढ़ चुके हैं है न डी आर अपॉन डी टी वाला इन टू अब यहाँ पे कितना आएगा वन अपॉन है तो वन अपॉन कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर ठीक तो यहाँ पे अब यहाँ पे कंसंट्रेशन और इसमें चार्जेस दिए हैं यहाँ पे पावर दिया है एन का तो अब टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा वन माइनस एन एन टाइम आ जाएगा तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर और टाइम जो रहेगा पर सेकेंड हो जाएगा तो इस तरह से मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका आया अब इसी चीज़ को उन्होंने अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया है तो तीन तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके यहाँ इसमें जीरो ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन ये एक कंपाइल करके आपकी बुक में दिया हुआ है इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है ये यूनिट्स दी हैं और यूनिट कैसे फाइंड आउट करना है और जीरो ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर क्या है सेकेंड ऑर्डर क्या है इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बता रही हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट की गई हैं और वैल्यू पुट करने के बाद में ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड ज़ीरो ऑर्डर के लिए है पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए है पर मोल लीटर पर सेकेंड ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है तो ये यूनिट्स निकाली गई हैं और नाउ मोलिकटी क्योंकि अभी हम लोगों को ये समझ में आया कि जैसे जो रिएक्शन है तो हम बता रहे हैं कि जो रिएक्टेंट हैं उसी रिएक्टेंट वही रिएक्टेंट तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करेगा एक्स और वाई को लेकिन ऐसा नहीं है मोलिकुलरिटी अलग होती है ठीक है तो वॉट इज मॉलिकुलरिटी इट इज सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब जितने नंबर ऑफ़ रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन की ड्यूरिंग जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनका नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है इन्वॉल्विंग इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइट मतलब कि जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कितने पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हो कर के एक न्यू पार्टिकल या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं वो बताया जाता है जैसे यहाँ देखो यह है एन एच फोर एनओ टू जब एन एच फोर एनओ टू को डिकम्पोज किया जाता है तो वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन ईजीली हो सकता है तो यहाँ ये यह क्या है यूनी मोलिक्यूल मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई कोलिजन की जरूरत नहीं है लेकिन जैसे हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं टू एच आई गिवस एच टू प्लस आई टू दिख रहा है ये सेकंड वाला एग्जांपल, तो यहाँ पर एच आई के आगे टू लगा है इसका मतलब क्या हुआ कि जब एच आई के दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उसमें एच टू एंड आई टू का फॉर्मेशन होगा इसलिए ये रिएक्शन क्या हुई बाय मॉलिक्यूल सेकेंड वाला दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर देन थर्ड थर्ड वाले में क्या होता है यह है टू एन ओ प्लस ओ टू टू एन ओ प्लस ओ टू कन्वर्टेड इन टू एन ओ टू मतलब दो एन ओ के पार्टिकल एक ओ टू के पार्टिकल से कोलाइड करेगा और टू एन ओ टू फॉर्मेशन करेगा तो इस तरह से टोटल कितने हो गए ये ट्राई मॉलिक्यूल नाउ मॉलिक्यूलिटी वर्सेज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब यहाँ पर हमें पता है कि मॉलिकुलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे आप लोग और इसको नोट डाउन करेंगे इसमें डिफरेंस बताया है ठीक है देन आपका आज का ये असाइनमेंट आज आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और मुझे फेयर कॉपी में करके बताएंगे सो थैंक यू स्टूडेंट